शिज़ुका की नाक हुई हाथी जैसी। ये लो। तुम तीनों यहाँ क्यों आई हो? इस जगह पर तुम लड़के हमेशा खेलते रहते हो, अब थोड़ी देर हम लड़कियों को भी खेलने दो। हाँ ठीक है, हम सब साथ में खेलेंगे। ये लो। हटो हटो। हाँ, देख कर नहीं खेल सकते। हम तुम्हें यहाँ अपने साथ खेलने दे रहे हैं तो शिकायत मत करो। क्या कहा तुमने? ये सब क्या हो रहा है, तुम इतना लड़ क्यों रहे हो? हम सब यहाँ बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे हैं शिज़ुका। हम सब तो यहाँ साथ में मजे से खेल रहे हैं। क्या हम यहाँ मजे कर रहे हैं? शिज़ुका, हम यहाँ मजे से खेल रहे हैं। लगता है कोई प्रॉब्लम है, शिज़ुका बहुत परेशान दिख रही है, मुझे उसके पास होना चाहिए। एक मिनट जरा रुको, मुझ पर छोड़ दो। अरे नोबिता, तुम अब तुम लड़ना बंद करो। क्या कहा तुमने? ऐसे खड़े खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें हमसे? अरे हाँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। लेकिन नोबिता, तुम तैयार हो? हाँ। नोबिता, क्या? तो नोबिता हमेशा से ऐसा है? दरअसल सारी गलती उन लड़कों की थी जो लड़ रहे थे, और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। ताकत में कम है। हाँ याद आया। हाँ? बोलने की ताकत। हाथी के निशान वाली लिपस्टिक। क्या लिपस्टिक? लिपस्टिक लगाओ और फिर अपने मन में सोचते रहो, लंबा हो जाओ। लंबा हो जाओ? मुझे किससे परेशान किया? मैं तुम्हें आराम से दिखाता हूँ। हाँ? इस लिपस्टिक को लगाने के बाद तुम्हारी नाक हाथी की सूंड जैसी हो जाएगी। हाँ? ये आसानी से लंबी हो सकती है। और तुम कोई भी चीज पकड़ पाओगी। वाह। धरती पर हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर होते हैं। वाह क्या बात है, अब तुम्हें किसी लड़के से डरने की जरूरत नहीं है शिज़ुका। अरे तुम्हें क्या हुआ? बलून। बलून? चिंता मत करो, ये लो तुम्हारा बलून। शुक्रिया। ये क्या है? मुझे मॉम के कपड़े इस्तेमाल करने होंगे। मैं वहां से भाग आया, मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ठीक है, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मैं हिम्मत रखूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे डोरेमोन से बात करनी चाहिए। तुम लोग? नोबिता, आज के लिए मुझे माफ करना, अगर वो लोग तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा करते हैं तो मैं अगली बार तुम्हें बचा लूंगा। सच में? हाँ। तुम बहुत अच्छे हो, तो चलो अभी साथ। सुनो तुम तैयार है ना? नोबिता तुम्हें इस बार अच्छा सबक सिखाएगा, वो हमारी तरफ से लड़ने आया है। देखना इस बार जीत नोबिता की ही होगी। लेकिन उससे पहले मुझे डोरेमोन से मिलना होगा। अच्छा, इससे पहले तुम भाग जाओ कि हम तुम्हें सबक सिखाएं। नोबिता, नोबिता, तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो पर? क्या बात है, तुम तो मुझे सबक सिखाने वाले हो है ना? मेरी मदद करो। ये तुमने क्या किया? कमजोर बच्चे को परेशान मत करो। तुम कौन हो? मैं कमजोर बच्चों की मदद करती हूँ, लड़ाकू बच्चे मुझे पसंद नहीं। ये कोई सुपर वुमन लगती है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मैं दिखाता हूँ। कोई हमें नीचे उतारो। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम
वैसे मेरा एलिफेंट मास्क आपको कैसा लगा? हाथी की तरह? एलिफेंट सुपर वुमन लड़कियों के साथ हमेशा है। तुम्हारा शुक्रिया एलिफेंट सुपर वुमन। हमें कोई नीचे उतारो। वो बिल्कुल किसी हाथी की तरह लड़कियों के साथ है। उसे एलिफेंट सुपर वुमन कहते हैं, वो बहुत ताकतवर है। एलिफेंट सुपर वुमन? हाँ, शायद वही होगी। मेरी मदद करो। हाँ? तितली मेरी उंगली पर है। ये लो तुम्हारा रिबन। तुमने हमारा रिबन वापस ले लिया। शुक्रिया एलिफेंट सुपर वुमन। हमारी अगली बार भी मदद करना। हाँ गिर गई। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, क्या तुम इसे खोल सकती हो? हाँ, शुक्रिया, तुम बहुत ताकतवर हो। मैं इसे वापस देने आई हूँ। मुझे पता था वो एलिफेंट सुपर वुमन तुम ही हो शिज़ुका। लेकिन उनकी उम्मीदें मुझसे कुछ ज्यादा ही बंद गई हैं। मैं थक चुकी हूँ। अच्छा ठीक है। ये लो। अरे नोबिता, सुनो तुम लोग ये जगह खाली कर दो। अगर नहीं की तो हम लोग एलिफेंट सुपर वुमन को बुला देंगे। जी हाँ, नोबिता का बर्ताव तो देखो। मुझे लगता है नोबिता और डोरेमोन का उस एलिफेंट सुपर वुमन से जरूर कोई लेना देना है। ठीक है, मेरे पास भी एक बढ़िया तरकीब है। एलिफेंट सुपर वुमन, एलिफेंट सुपर वुमन। अरे क्या हुआ तुम्हें? हम एलिफेंट सुपर वुमन को ढूंढ रहे हैं। जियान ने हमें यह दिया है। नोबिता हमारे कब्जे में है। मास्क वाली लड़की, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। छोड़ो मुझे। माफ करना नोबिता, ये सब उस एलिफेंट सुपर वुमन को बुलाने के लिए है। तुम्हें उसकी बहादुरी का सामना करना चाहिए था। तुम लोग बहुत मतलबी हो। तुम हमेशा डोरेमोन पर निर्भर रहते हो और तुम ये कह रहे हो नोबिता। एलिफेंट सुपर वुमन आ रही होगी। अब तुम हमारे प्लान के हिसाब से काम करो। नोबिता, शायद वो खतरे में है। हमें उसे बचाना होगा। एलिफेंट सुपर वुमन, उसे बचा लेना। ठीक है, पेपर बम फेंको। येलो। हमने कर दिखाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? मिट्टी के बॉल फेंको। यही मौका है। चालू करो। एलिफेंट सुपर वुमन, हमने उसे पकड़ ही लिया। मैं तुम्हें बचा लूंगा। सब कुछ ठीक जा रहा है जियान। अब इस एलिफेंट सुपर वुमन को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। नोबिता, ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने? क्या वो? तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब तुम तैयार है ना? नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। एलिफेंट सुपर वुमन, तुमने लड़कों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। अब से तुम एक दूसरे का साथ देना जिससे तुम्हें मेरी जरूरत कभी ना पड़े।
समझ गए? पता है वो कौन है? मुझे लगा ही था एलिफेंट वुमन शायद शिज़ुका ही होगी। आखिर शिज़ुका ने आज तुम्हें उन लोगों से बचाया है। मुझे भी शिज़ुका की तरह सबकी मदद करनी है। सुनो ना डोरेमोन, मुझे भी वो हाथी के निशान वाली लिपस्टिक चाहिए। कहाँ पे रखी है? मुझे दो ना। कहाँ है? लेके मिल गई। अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। तो क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगा। कैसी हो तुम नोबिता? अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ठीक है अब। नोबिता, ये तुमने क्या किया? अरे पर मैं तो। सुनो नोबिता, ये ऑक्टोपस के निशान वाली लिपस्टिक है, समझ गए? डोरेमोन, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कमरा ठीक कर रहा हूँ। ये सब क्या है? सुनियो ने कहा है कि पौधे घर पर रखना नया फैशन है, इसलिए मैं लेकर आया। वैसे ये एक पौधा तो है, लेकिन शिज़ुका को भी बुला लेता, लेकिन कमरा अच्छा नहीं है तो मैं ही वहाँ चले जाता हूँ। बाद में मिलता हूँ डोरेमोन। अरे इसे तो वापस रखो, ये कभी नहीं सुधरेगा। बारिश हो रही है। अरे मॉम, यहाँ पर एक भी छाता नहीं है। बिना छाते के मैं बाहर कैसे जाऊँगा? तुम यहाँ से लेते हो और फिर कहीं भी रख देते हो। हाँ मिल गया। ये नहीं दूंगी मैं। लेकिन क्यों मॉम? क्योंकि मुझे अभी बाजार जाना है। मुझे भी जाना है। तुम घर पर रहकर अपना होमवर्क करो। अरे नहीं। एनीवे जॉन, वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, इसीलिए मैंने उसको रिपेयरिंग के लिए भेजा है। आने में वक्त लगेगा। क्या? तो मैं अब शिज़ुका के पास नहीं जा पाऊंगा? तुम्हें इसका क्या करना है? तुमने अभी तक होमवर्क करना शुरू नहीं किया? डोरेमोन, तुम प्लीज नोबिता पर नजर रखना। ठीक है। और हाँ, ये मुझसे बिना पूछे इसे मत लेना। अरे नहीं, मैं ये नहीं लाया था। अरे नहीं, मुझे रोज रोज होमवर्क क्यों करना पड़ता है? आजकल तो बच्चे टीवी, कॉमिक्स और खेलने में ज्यादा बिजी होते हैं। अरे नहीं। अरे हाँ, मैं तो अपनी नोटबुक स्कूल में भूल गया हूँ। स्कूल जाकर उसे ले आना चाहिए ना। मुझे बुक लानी है, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है ना? और एनीवे डोर भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं चाहकर भी होमवर्क नहीं कर सकता हूँ। अरे नहीं, कितनी बुरी बात है ना। मैं तो कभी नहीं आने दूंगा। कपड़ा बदलने वाला स्विच। इस गैजेट की मदद से हम इस कमरे को किसी भी कमरे में बदल सकते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? बस देखते जाओ। इसे अपने क्लासरूम की जगह सेट कर दो। अगर उस कमरे के आसपास कोई भी है तो इसकी रेड लाइट जल जाएगी। ब्लू लाइट मतलब कोई नहीं है, इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं स्विच को ऑन करूंगा। स्विच ऑन। अरे ये तो क्लासरूम है, पर ये कैसे हुआ? जाकर खिड़की के बाहर देखो। अरे ये तो हमारा घर है। हम लोग कहीं गए नहीं, बस कमरे बदले हैं। इसका मतलब हमारा कमरा स्कूल में गया है। तुमने सही कहा। चलो अब जल्दी से अपनी नोटबुक जाकर ले लो, अगर सर आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। मिल गई, यहाँ है। चलो अब वापस चलते हैं। स्विच ऑन। अरे वाह, कितना अच्छा गैजेट है। इससे हम किसी और कमरे में बदल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। इस मैप से तुम यहाँ से कहीं की भी दूरी और दिशा देख सकते हो। अच्छा फिर बस करो, मैं बेवजह तुम्हारी बातों में आ रहा था। चलो पहले
पहले अपना होमवर्क करो, चलो होमवर्क करो होमवर्क। लेकिन मुझे इसके साथ खेलना था, मुझे होमवर्क ही करना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। अरे हाँ हाँ, इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। ना तो प्लीज मुझे वो गैजेट इस्तेमाल करने दो ना, मैं डिगी सुगी की मदद लेना चाहता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गैजेट सिर्फ तुम्हारे कमरों को बदल सकता है, वहाँ के इंसानों को नहीं बदल सकता। लेकिन उसकी बुक तो उसके कमरे के साथ आ जाएगी ना, उसकी बुक मेरे लिए काफी है। समझ नहीं आता तुम्हें ये सारे आइडियाज आते कहाँ से हैं? डिगी सुगी के घर का एड्रेस 3150D। चलो। अरे वाह, डिगी सुगी का घर मिल गई। ये सच में बहुत होशियार है, उसे पहले से ही होमवर्क कर लिया है। अच्छा तो इसे ऐसे करते हैं। ये नहीं सुधरेगा। मैं आ गया। अरे नहीं, जल्दी करो, वो वापस आ रहा है। हाँ, जल्दी करो। रुको थोड़ी देर। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। नोबिता बस करो, बस होने ही वाला है। मेरा कमरा, ये कैसे किया? हो गया। हाँ, ये क्या हुआ था? अच्छा हुआ इसकी वजह से मेरा होमवर्क पूरा हो गया। ये गैजेट तो सच में कमाल का है। डोरेमोन, मेरा होमवर्क हो गया है, अब तो मुझे उसके साथ खेलने दो। अच्छा ठीक है, ले लो। याहू! लेकिन इस गैजेट का गलत इस्तेमाल मत करना, समझ गए? चलो मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। अब मुझे मजा आएगा। शिज़ुका चान ची वा 026S। ओमत्ता तोरी अकारप्पु दा, शिज़ुका चान गा इरु शोको दा सो। अवा अवा, अतरशी न्यूयॉर्क ज़ाई अवा अवा दे किमोची ई वा। どうなってるの？面白いもの見せるから置いて伸びたっと、これでよし。どうすれば？のび太さんだったのね。これでしずかちゃんが遊びに来るぞ。まだ時間もあるし模様替えをしよう。誰の部屋がいいかな？बारिश के दिनों में मैं अपने पसंदीदा कमरे में आराम से बैठा हुआ हूँ। मुझे भूख लग रही है, मुझे अपने हाथ धोने हैं, क्योंकि मुझे सफाई पसंद है। अच्छा तो ये बात है, सुनिए इस तरह की पौधे की बात कर रहा था। पता नहीं शिज़ुका इस कमरे में आकर खुश होगी या नहीं। हाँ, पढ़ने के लिए कॉमिक भी है। ओ, स्वादिष्ट केक। ला 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 ला, क्या बात है? अजय, मेरा केक कहाँ गया? कॉमिक भी गायब है, कैसे? बहुत स्वादिष्ट था। ये तो दूसरा पार्ट है, मुझे तो पहला पार्ट पढ़ना था। लगता है पहला पार्ट वही होगा। 89, 90, 91, 92। मुझे पता था यही होगी। 99, 100। मैंने कर दिखाया। नोबिता, शिज़ुका तुम्हारे साथ खेलने आई है। अभी आया। अरे नहीं, मैंने अभी तक कमरा भी ठीक नहीं किया है। लड़कियों को गंदा कमरा पसंद नहीं है, अब मुझे इसे ठीक करना होगा। अरे हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। नोबिता, तुमने ये अच्छा नहीं किया, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो। वैसे मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ। हाँ, क्या दिखाने वाले हो वैसे? पता नहीं नोबिता, अब क्या करने वाला होगा।
नोबिता बताओ ना कमरे के अंदर क्या है। दरवाजा तो खोल कर देखो। कितना अच्छा कमरा है। है ना? दरअसल ये कमरा सुबासा इतो का है। लेकिन वो बहुत ही मशहूर आइडल है। वो कैसे? छोटी मोटी चीजों की चिंता मत करो। वैसे तुम यहाँ आराम करना ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया है। कितना मुलायम है और ये खूबसूरत लाइट्स। यहाँ का टीवी भी कितना बड़ा है। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? आवाज शुरू हो गया। चलो मशहूर कलाकार के कमरे में। आज हम उनके कमरे में जाएंगे जो एक मशहूर कलाकार हैं। उनका नाम है सुबासा। हेलो सबको। सुबासा तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा कमरा कैसा है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। थोड़ा छोटा और गंदा है, मुझे शर्म आ रही है। ये सच में छोटा और गंदा है। वो हम कहाँ है? ये तो नोबिता का कमरा है। वैसे कितनी अच्छी बात है कि सुबासा बिल्कुल दिखावटी नहीं है। सुनो वो ये हम नोबिता, ये क्या कर रहे हो तुम? चलो अंदर चल कर देखते हैं। नहीं, देखना। इसका मतलब अपने आप को बहुत पसंद करती हैं। जल्दी करो, कमरा बदलने वाला स्विच दबाओ। ठीक है। ओहो, तो तुम्हें डोरा केक पसंद है? मतलब तुम्हें मीठी चीजें पसंद हैं। लेकिन क्या तुम इतना खा सकती हो? नहीं। ओहो, तुम पढ़ती भी हो? ओह, ये कैसी राइटिंग है? रुको। क्या कर रहे हो तुम नोबिता? जल्दी करो। ये मेरा कमरा है। नोबिता, नोबी, ये कौन है? मैं इस इंसान को बिल्कुल नहीं जानती। अरे भाई, उसने मेरी नोट